ये लाइफ पे ले लीजिए, लाइफ पे ले लीजिए, बोल रहे हैं शेखर गुप्ता। हाँ हाँ मिल रहा है शेखर गुप्ता, ठीक है ओके शुरू करें। सर ये जो चार्जशीट फाइल किया है राजस्थान पुलिस इलू खान पे, कई बार इस मसले को आप उठाते रहे हैं, आपने ट्वीट भी करा है, क्या आपका क्या है इसका? ये जो है ना, ये कांग्रेस का हमेशा का दोहरा चेहरा है। जब पीलू खान पे हमला हुआ था तो यही कांग्रेस लोग कंडेम किए। सारी दुनिया जानती है कि पीलू खान को मारा गया, पीटा गया, जिसकी वजह से गौरव शर्मा ने मारा उनकी बहुत हुई। सारी दुनिया जानती है कि पीलू खान और उनका खानदान इस तरह के कारोबार में मुलव्वस नहीं है। अफसोसनाक कंडेमनेबल ये हरकत है अशोक गहलोत सरकार की, कांग्रेस की, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कंडेम किया जाए कम है। मगर ये हमेशा होता रहा है, कांग्रेस का हमेशा दोहरा चेहरा, जब पावर में आते हैं तो ये एग्जैक्ट रिप्लिका बन जाते हैं बीजेपी का। और मैं राजस्थान के मुसलमानों से डायरेक्ट अपील कर रहा हूँ कि अभी तो आप होश में आइए, छोड़िए लोगों का साथ। 70 साल आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जो हमेशा आपको धोखा देती है। जब ओपोजिशन में रहते हैं तो आप लोगों से मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, और जब जैसा उनको सत्ता मिलती है तो जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं करी उस काम को मुकम्मल करते हैं। तो कम से कम अब मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान के मुसलमान कांग्रेस का साथ छोड़ेंगे, वो इन तमाम जो कांग्रेस के ब्रोकर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन उनका साथ छोड़ेंगे। और आप इंडिपेंडेंट 70 साल आप साथ दिए, अब अपना इंडिपेंडेंट एक पोलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाइए। कब तक हम धोखा खाते रहेंगे, कब तक मजलूमों पे जुल्म होता रहेगा, ये तो वहाँ के राजस्थान के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। तो MIM पहल करेगी राजस्थान में जैसे आप कई राज्यों में? सवाल MIM का नहीं है, सवाल राजस्थान के मुसलमानों को खुद अब इस बात का तय करना है कि आपने बहुत साथ दिया, पिछले पार्लियामानी चुनाव में भी आपने बहुत वोट दिए, इसका नतीजा क्या निकला है कि कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। अब हमको होश के राह लेना पड़ेगा। ये कंडेमनेबल है, मगर ये कांग्रेस का हमेशा ऐसे रवैया रहा है, जो काम बीजेपी मुकम्मल नहीं कर पाती सत्ता में रहकर कांग्रेस उसको मुकम्मल करती है। अरे जो परिवार जिसने अपने खानदान के फर्द को खोया, जो मार मार कर उसका मर्डर किया गया, आप उसको चार्जशीट डालते हैं। पर इंसाफ का तकाजा तो ये है कि कांग्रेस पार्टी उस पर दोबारा इंक्वायरी करवाती और सच्चाई को सामने लाती है। Ashok Gehlot has said this investigation had happened in BJP's tenure, so they will look into the investigation, what happened then, and if they're strong and they've changed it, they provide justice to people. Well, I have no confidence and I don't expect any justice to come from a Congress government of Rajasthan, because there has been a pattern that whatever work BJP was not able to complete, the Congress party completes it. Or if Congress party starts something unconstitutional, that work again is taken to its logical conclusion by BJP. So when in power, Congress is different, and when they are in power, they are exact replica, the big exact twin of BJP. And this is a condemnable. Instead of ordering a reinvestigation, you are in power from last 6 months. You could have immediately ordered investigation. You could have immediately ensured that justice was done to Pilu Khan's family. The whole world knows that Pilu Khan and his family have never indulged in such activities. But you have given credence to all those baseless allegations by filing a charge sheet. So the behavior of Ashok Gehlot and the behavior of Sachin Pilot is highly condemnable. You know, they don't want to learn from the defeat which they faced, an embarrassing defeat which was given to them. But I would urge and appeal to the Muslims of Rajasthan that please, for God's sake, take out, you know, this chip which you have on your shoulder, that Congress party would come to your rescue. They will not come to your rescue. It is high time that even after 70 years, Muslim Rajasthan still think that the Congress party will come to your rescue. No, they have never come to your rescue. 70 years is a long time. Please create an independent political platform of yours. There is nothing wrong in it. It will strengthen our democracy. It will strengthen pluralism as well. Sir, clerics from Deoband have issued a fatwa against TMC MP Nusrat Jahan for wearing sindoor. I am not an Islamic theological scholar. As far as I know, in a democratic country, everyone has freedom of religion. सर सतना में जो हुआ,
सतना में एक स्वास्थ्य कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा के तथाकथित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा, और ऐसा ही एक वाक्य कुछ दिन पहले एक विधायक हैं जो कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं। तो यही तो अपीसमेंट फॉर जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट फॉर नन।